तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो एक रिचार्ज एप्लीकेशन के ऊपर होने वाला है, एक रिचार्ज कमीशन, एक रिचार्ज कैशबैक एप्लीकेशन के ऊपर होने वाला है। तो इस एप्लीकेशन से अगर आप रिचार्ज करती हो, मोबाइल का दुकान है, अगर आप सोचते हो कि अपना पॉकेट खर्चा निकल जाए, तो एप्लीकेशन बेस्ट है। और यहाँ पर ये हर बिल पेमेंट पे, हर रिचार्ज पे आपको अच्छा कमीशन, अच्छा कैशबैक देने वाला है। तो चलिए, आज का एप्लीकेशन का नाम है डिजिटल पे इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल से वो टेक्निकल पर नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके जैसे प्ले स्टोर पर जाओगे, डाउनलोड करके जैसे ओपन करोगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होने वाला है। आप न्यू यूजर होगे तो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर साइनअप एक ऑप्शन आएगा नीचे, यहाँ पर देख रहे हो, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे मांगेगा डिटेल्स, ये डिटेल्स आपको पूरी भर देना है। तो यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, रेफरल कोड हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, अपना आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो यहाँ पे डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद दिख रही है कि एक खूबसूरत इंटरफेस आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे ऊपर हमारा नाम है, और यहाँ पे रिफ्रेश, एक वॉलेट का ऑप्शन, नोटिफिकेशन और एड अकेडमी का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। उसके नीचे हमारे में देखिए अभी 10 रुपये हमारे वॉलेट में पड़े हुए हैं, और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रीपेड, पोस्टपेड, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, डीएमटी, एप्स, एमटीन, यहाँ पे इतने सारे जो सर्विस है, आप सारे सर्विस का लाभ उठाओगे और हर सर्विस पे आपको यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है। तो ये आपको सर्विस मिल जाएगी। वीडियो अगर पहली बार आप यहाँ पे लॉगिन करोगे एप्लीकेशन में आगे, तो आपको केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पे देखो केवाईसी वाला ऑप्शन पर सिंपल क्लिक करके, और आपको यहाँ पे केवाईसी करना होगा। आपको पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, और आप केवाईसी फोटो डाल के अपना नाम डाल के जैसे करनी है, तो आपका यहाँ पे ऐसा हरा हो जाएगा। तो आप उसके बाद आप यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे इंसेट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जितने भी दिन भर में जितनी भी कमाई हुई रहेगी यहाँ पे शो करेगी। आप देखो कमीशन जितना आप ऐड मनी किए हुए, यानी कि सारी डिटेल्स या फिर रिचार्ज हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट में जाओगे तो सपोर्ट में आपको यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा, उनका कस्टमर सपोर्ट का नंबर मिलेगा, बैंक डिटेल्स मिलेगा, यहाँ पे सारी आप सपोर्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जितने भी आपकी अकाउंट की रिपोर्ट होगी, अकाउंट की डिटेल्स होगी, यहाँ पे सारी रिपोर्ट को आप यहाँ पे बारी बारी करके यहाँ पे चेक कर पाओगे। अब चलिए इसी में आपको मैं पहले कमीशन दिखाता हूँ कि कितने रिचार्ज पे कितना कमीशन है, कौन से ऑपरेटर पे कितना कमीशन है। तो यहाँ पे स्लैब स्ट्रक्चर पे क्लिक करके आप कमीशन का देख पाओगे कि कितने पे कितना कमीशन थे। एयरटेल पे 2.5% है, बीएसएनएल पे 4% है, वीआई पे 3.5% है, जियो पे 3% है। तो ये हमारा कमीशन चार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कंपनी का कस्टमर केयर नंबर, इनका ईमेल आईडी यहाँ पे सारा देख पाओगे। अब चलिए इसमें ऐड मनी कैसे होता है। तो ऐड मनी यहाँ पे आप सबसे ऊपर यहाँ पे ऐड मनी वाला ऑप्शन पे सिंपल क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपको जितना भी अमाउंट यहाँ पे ऐड करना, तो मिनिमम अमाउंट 10 रुपये, तो यहाँ पे 10 रुपये हम डालेंगे। अभी हमारे अकाउंट में यहाँ पे देख रहे हो कि 90 रुपये है। अभी यहाँ पे 10 रुपये हम ऐड करेंगे, ऐड मनी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे। तो जैसे ऐड मनी यहाँ पे 10 रुपये डाल क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे किस ऑप्शन से, तो यूपीआई के थ्रू, तो यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फोन पे, पेटीएम जो भी होगा, फोन पे हम पेटीएम पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे आ जाएगा पेटीएम पे करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना यूपीआई आईडी एफपीए पे क्लिक करके यूपीआई डालेंगे तो हमारा यहाँ पे 10 रुपये ऐड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा 10 रुपये यहाँ पे देख रहे हो कि पेड हो गया। अब हमारा यहाँ पे बैलेंस आपका शो हो जाएगा। तो देखिए हमारा पेड सक्सेसफुली यहाँ पे लोड हो रहा है, और हमारा बैलेंस, तो देखिए हमारा बैलेंस या सक्सेस 10 रुपये ऐड हो गया। अब चलिए हम अपने वॉलेट को रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 99 रुपये, यहाँ पे आप देखो रहे कि हमारे 99 रुपये यहाँ पे शो दिखाई दे रहा है। अब चलिए यहाँ पे मैं रिचार्ज करता हूँ। तो रिचार्ज के लिए हम मोबाइल की बात करें तो यहाँ पर प्रीपेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी हमारा ऑपरेटर हो सेलेक्ट करें, तो हमारा जियो है, जियो को सेलेक्ट करेंगे। जियो के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है। अब आपको जितने का रिचार्ज करना है नहीं मालूम है तो व्यू प्लान पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जितने का रिचार्ज करना है यहाँ पर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डाल देंगे, तो हमको 91 का रिचार्ज करना है। यहाँ पे 91 डाल के और रिचार्ज का ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो हमारा रिचार्ज यहाँ पे विद इन 1 सेकंड के अंदर हमारा रिचार्ज यहाँ पे सक्सेस होता है। तो देखिए हमारा रिचार्ज यहाँ पे सक्सेस हो गया, और हमारे कस्टमर जो भी हमारे हैं उनके में रिचार्ज भी चला गया। तो गाइज आपने देखा कि मैंने यहाँ पे रिचार्ज भी किया, ऐड मनी भी किया, और आपको यहाँ पे दिखाया कितना कमीशन मिलता है और ऑपरेटर पे। तो सबसे पहले आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज करो, तो उसके पहले आप हर एप्लीकेशन को रिसर्च कर लो, उसके बाद ही यूज करो। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।